ले कौन चल रहे नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल और आप देख रहे हैं चरखी दादरी ब्लॉग। आज हम दोस्तों आपके लिए कुछ स्पेशल लेकर आ रहे हैं। दोस्तों आज हम आपको बता दें, आज हम भिवानी शहर के अंदर हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे ये चिड़ियाघर जो भिवानी का जू है, आज हम उसके अंदर खड़े हैं। दोस्तों आज हम आपको भिवानी के जो चिड़ियाघर है उसके अंदर कैसा वो दिखता है, उसके अंदर कितने प्रकार के जो जीव जंतु हैं वो हम आपको सभी दिखाएंगे। आइए बढ़ते हैं आगे कि हम आपके सहचर खिदादरी के ब्लॉग जो पहली बार भिवानी चिड़ियाघर जू के अंदर है। दोस्तों हम बिल्कुल आंखों देखा हाल है जो भिवानी जू का वो हम आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों आइए बढ़ते हैं साथ साथ, जो इस चिड़ियाघर के बारे में जो खासियत है हम आपको वो भी दिखाएंगे कि ये कब बना था और जैसे कितने साल पुराना है, इसके अंदर कौन कौन से जो जीव हैं जो आए थे और जो गए हैं, अब फिलहाल कौन कौन से इसमें जीव हैं, बिल्कुल जो लाइव जो एग्जैक्ट बिल्कुल टाइम में जो जीव है इसके अंदर हम आपको वो सभी दिखाएंगे। दोस्तों ठीक है, आइए आगे। और जो आप हमारे पीछे देख सकते हैं इस साइड, तो आप देख सकते हैं जो कबूतर है, ये कबूतर के लिए एक ऐसे पिंजरा नुमा आकृति बनाई गई है। दोस्तों यहाँ पर उसके बगल में है, आप देख सकते हैं जंगली मुर्गा गिरला गैलस गिलानस, ये जो नस्ल है मुर्गे की, ये उसका जो विस्तार है दोस्तों उत्तरी भारत पूर्वी असम पूर्वी मध्य प्रदेश में इसका जो विस्तार था वो हुआ था। और जो इसका आहार है जंगली मुर्गा का वो है अनाज कीट और छोटे मोटे कंटल वगैरह जो ये खाता है। और जो इसका प्रजनन होता है, जो उसका जो जंगली मुर्गा है जो अपनी जो मीटिंग करता है दोस्तों वो करता है मार्च से मई के महीने में। और आइए आगे बढ़ते हैं। और आप ये देख सकते हैं बिल्कुल जंगली मुर्गे के बराबर में आप देख सकते हो पीकॉक, जो हमारा जो मोर है जो पक्षी है, देखो इसके अंदर अभी तो दो ही हैं फिलहाल, एक दो ऊपर भी मेरे ख्याल से आप देख सकते हो। ये देखो ये तीरा, ये भी वही है, जूम करके दिखाओ थोड़ा। हम आपको जो इस साइड का जो है क्या चीज है हम आपको वो भी दिखाएंगे आगे चलकर, पहले आप आगे आगे देखते रहिए क्या चीज हम आपको दिखाते हैं। और इस बोर्ड पर जैसे वन विभाग के द्वारा लिखा गया है कि दोस्तों पशु पक्षियों पर अत्याचार हो दोगे प्रकृति से प्यार, आप देख सकते हैं कितना बड़ा संदेश है हमारे जो वन विभाग के द्वारा दिया गया है। दोस्तों आप देख सकते हैं और आप ये देख सकते हैं हमारे पीछे कोकटल नेम्बेबिक होलिडोनिक्स जो पक्षी है इसके अंदर, वो फिलहाल अभी दिखाई तो नहीं दे रहा, बाकी इसके अंदर है आप ये देख सकते हैं। एक और पक्षी है जो ये है बोर्डर मिल्स यूनिस, बड़ा अटपटा सा नाम है इंग्लिश में, बाकी पक्षी दिखाई नहीं दे रहे इसके अंदर, बाकी है इसके अंदर पहाड़ी तोते। आइए ये देख सकते हो आप इसकी, बिल्कुल जूम करके दिखाना, ये अभी शांत बैठे हुए हैं। इनकी जो लंबाई है जो पहाड़ी तोते की जो लंबाई है वो दोस्तों बताई जाती है 2 फुट
के आसपास जो इनकी लंबाई है मैक्सिमम जो लंबाई। और इसके बाद इसका नाम जैसे हम जैसे देसी जो लैंग्वेज थी उस लैंग्वेज में हम इसको पहाड़ी तोता कहते हैं, और जो इसका इंग्लिश में हम इसको कहते हैं रोज राइडन पार्क। जो आप ये देख सकते हैं इसका जो नेम है। इसके ऊपर जो इनकी जो मीटिंग है, जो इसका जो महीना है टाइम पीरियड है, वो इसके ऊपर बोर्ड के ऊपर जो इनमें वेट है कितना है इस पे जो बोर्ड पे है वो लिखा गया। दोस्तों चिड़ियाघर में पिंजरों को इंग्लोजर रेलिंग के अंदर जाना सख्त मना है। आपको इस भिवानी चिड़ियाघर जू के अंदर काफ़ी अलग अलग प्रजाति के जो पेड़ हैं जो जो ट्री हैं वो आपको दिख जाएंगे दोस्तों। लेकिन एक इस साइड भी एक जो बोर्ड है इस पे देखो लिखा गया है कि वन्य प्राणी किसान के मित्र हैं। दोस्तों आइए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों जहाँ पर जो लोमड़ी का जो पिंजरा है हम आपको बिल्कुल उसके सामने खड़े हैं, आप ये देख सकते हो। इधर दिखाओ इनको पीछे, रिसेट फॉक्स जो लोमड़ी है अभी इसके अंदर वो लोमड़ी जो दिखाई नहीं दे रही वो बिल्कुल जो सामने आप देख सकते हो जो उसका घर है वो वहां पर जाकर छुपी है दोस्तों। या तो घबरा चुकी है या डर रही है तो वो उसके अंदर है। लेकिन हम आपको जो ये बोर्ड है वो आप दिखा सकते हैं, इस पे बताया गया है जो लोमड़ी का जो जीवन काल है दोस्तों वो लगभग 10 वर्ष तक का होता है। लोमड़ी का जो आहार है वो स्तनधारी जो छोटे जीव होते हैं जैसे चूहे बिल्ली वगैरह इत्यादि, और जिस से पांव तक जो उसकी जो लंबाई होती है वो 2 फुट 4 इंच की बताई गई है इस बोर्ड के अनुसार आप देख सकते हैं। और जो गर्भवती होती है वो 50 से 53 दिन के अंदर जो गर्भधारण कर लेती है जिससे 1 से लेकर 4 उसके जो बच्चे हैं वो होते हैं। और आइए दोस्तों हम दिखाते हैं आगे। सुन रहे हैं ये कर करके, आप ये देख सकते हो ऊपर बिल्कुल जो उल्टे लटके हुए हैं दोस्तों, आप ये देख लो, जूम करके इनको दिखाओ। आज पहली बार आप हमारे चरखी दादरी ब्लॉग में हम आ चुके हैं दोस्तों भिवानी के जुहू जो चिड़िया पार्क है, चिड़िया घर कह लो या चिड़िया पार्क कह लो दोस्तों, हम उसके अंदर इस समय उपस्थित हैं और आप देख रहे हैं भिवानी का चिड़िया घर। उस समय आप ये देख सकते हैं दोस्तों जो ऊपर लटके हुए हैं उल्टे ये हमारे चमगादड़ है, इनकी जो लंबाई बताई गई है 1 फुट तक बताई गई है। जो ये जो इनका जब ये उड़ते हैं जो इनका फैलाव है वो 1 से 1.5 फुट का फैलाव बताया गया है। इनका जो जो वेट है दोस्तों वो 8 से 5 किलो का बताया गया है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल ऊपर, और चलो हम आपको दिखाते हैं जी। आप देख सकते हो दोस्तों बोर्ड में तो आपने देख ही लिया होगा कि हम आपके बिल्कुल कारगिल स्टीन ऑफ गैंग स्टिक्स जो आप देख सकते हो वो इसके अंदर है। आइए हम उसको दिखाते हैं। पहली बार दोस्तों आज पहली बार हम आपको YouTube पर पहली बार एक ऐसी अजीब चीज़ दिखाएंगे जो है कि हमारे भिवानी चिड़ियाघर में है, तो पहली बार देखने को हमें मिली है दोस्तों। कई बार हम आ चुके हैं तो हमें जैसे ये क्रोकोडाइल है दोस्तों वो देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन हम आपको दिखाएंगे कि वो देखो बिल्कुल सामने है, बिल्कुल सामने। जूमिंग करके दिखाओ अच्छी तरह, यहाँ दोस्तों 5 है 5, आप ये देख सकते हैं जूमिंग करके 5 क्रोकोडाइल हैं दोस्तों, जिनकी लंबाई एक तो जैसे बच्चा है और एक जैसे पूरा है। जो है नर है या मादा है वो तो उसके जो बच्चे के बिल्कुल पीछे आप देख सकते हो वो मादा है, वो आप देख सकते हो वो नर है। इनकी जो लंबाई है दोस्तों 6 से 7 फुट तकरीबन बताई जाती है, और इनका जो वेट है दोस्तों 70 किलो के आसपास बताया जाता है। और आप ये देख सकते हैं जो इनका जो स्थान है रहने का वो बिल्कुल चारों तरफ से खचाखचे एकदम पानी से भरा हुआ है। ठीक है दोस्तों आइए बढ़ते हैं आगे। देखा दोस्तों हमने आपको जो घड़ियाल है दोस्तों वो दिखाए इस पानी के अंदर, 5
15 से 20 इसके अंदर हैं दोस्तों। देखो तो सबसे बड़ा पहली बार देख लो आप कितना बड़ा जो घड़ियाल है दोस्तों पहली बार। इसकी जो लंबाई है दोस्तों 13 से 14 फुट की है। अब वो गया दोस्तों पानी के अंदर, ये देखो देखो कितनी जो लंबाई है इसकी, हूबहू होता है दोस्तों मगरमच्छ की तरह। लेकिन इसके जो दांत हैं, जो इसका जो मुंह का जो डिजाइन है जैसे आगे से पहना होता है वो आप देख सकते हैं। आप बिल्कुल सामने देख रहे होंगे कि वहां पर जैसे जो चिड़ियाघर देखने आए हैं वो क्या कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं वहां पर जो हिरण की जो प्रजाति है दोस्तों वहां पर हम आपको वो भी दिखाएंगे। आइए है और करते हैं उनसे वार्तालाप कि ये चिड़ियाघर है इसके अंदर जो हिरण प्रजाति है के अंदर जो जो जैसे प्रजातियां हैं उनका जैसे डिटेल वगैरह है, जैसे ब्लैक बग है और इसके अंदर जैसे चीतल जो प्रजाति होती है वो है और इसके अंदर जैसे सांभर प्रजाति है वो भी, तीनों प्रजाति इसके अंदर है। अब हम जो लाइव है हम आपको दिखाएंगे वो कैसे दिखाई देती है। ये देखिए बिल्कुल जो सामने है ये जो ब्लैक है जो आप ये देख रहे हो ये मेरे ख्याल से सांबर है और जो आप देख रहे हो चितकबरा ये सिंबल जो प्रजाति है वो है दोस्तों। अभी जैसे इसका मरम्मत का कार्य चला हुआ है आप देख सकते हैं जैसे जो रेत वगैरह डाला जा रहा है इसके अंदर। आइए दोस्तों ये आप देख सकते हैं बिल्कुल जो हमारे सामने हैं, कैमरा ने बीच में लो ये देख लो पहली बार आप इतने जो पास से है दोस्तों वो हम आपको दिखा रहे हैं जो ये जो प्रजाति है बिल्कुल जो बारीकी सी जो इसका जो सींग है दोस्तों वो हमने देखा। ये देखो जो लाइनिंग है इसके ऊपर ब्राउन कलर का है लाइट ब्राउन में। ये इस साइड में क्या से मादा है और ये इसका बच्चा है दोस्तों। ये भी दूसरी प्रजाति है तो दोस्तों ये बोर्ड पे जैसे लिखा गया है क्रोकोडाइल मगरमच्छ इसके बारे में जैसे इसका जो वेट है दोस्तों बताया गया है 70 किलो से लेकर 70 से 100 वर्ष तक जो इसकी एज होती है दोस्तों वो होती है। जो इसका वजन है दोस्तों वो कई किलोग्राम के आसपास बताया गया है और जो इसकी लंबाई है दोस्तों वो भी काफ़ी फुट अधिक बताई गई है आप ये देख सकते हैं। और ये 20 से 100 अंडे लगभग देती है और इसका जो 80 दिन जो एक इनक्यूबेशन है जो बाद में उस अंडे से बच्चे निकलते हैं दोस्तों वो है 80 दिन का। आइए हम आपको दिखाते हैं क्रोकोडाइल मगरमच्छ जो है क्रोकोडाइल बिल्कुल सामने वो है ना ग्रे ग्रे कलर का वो दिख रहा है बिल्कुल ग्रे कलर का। हाँ ये और एक इधर देखो ये दो हैं जैसे ये हंस है और जो गुरसल वगैरह जो पक्षी है उनके जो बिल्कुल बीचों बीच हैं दोस्तों दो घड़ियाल घड़ियाल तो उधर। और आप ये देख सकते हैं बिल्कुल इस समय हमारी बिल्कुल आँखों के पास है दोस्तों। ये देखो जैसे अभी पानी से बाहर निकल कर बैठा है धूप सेक रहा है अभी जो इसका मुंह है दोस्तों वो उसने अभी फाड़ लिया है आप ये देख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे ये देखो इधर से देखो आप इधर से बिल्कुल आपको अच्छी तरह दिख जाएगा दोस्तों जो इसका मुंह है मगरमच्छ का। आइए
ब्लैक और ग्रे कलर का है वो भी देखो, उसका कलर थोड़ा सा डार्क है दोस्तों, वो बिल्कुल सामने। उसकी लंबाई भी मोस्टली मान के चलो 12 से 13 फुट के आसपास है दोस्तों। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। बोर्ड देख सकते हो, दरियाई घोड़ा हिप्पोमटस। इसका जो हाइट है, जो एयर है और जो इसका वेट है दोस्तों, वो सब कुछ इसके ऊपर बिल्कुल लिखा गया है। आइए हम वो भी देखते हैं, हमको दिखाई देता है या नहीं। आइए अभी तो इसमें है नहीं दोस्तों। वो देखो बिल्कुल सामने, जो उनका जो वेट बताया जा रहा है दोस्तों, वो है मोस्टली 400 से 500 केजी के आसपास। आप देख सकते हैं इस समय वो आराम कर रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल आपके सामने है जो दो ऑटोपटेटस दरियाई घोड़े। ये देख लो, और बिल्कुल जो पीछे आप, हम आपको कछुए भी दिखा देते हैं जो इसी पानी के अंदर हैं। वो रे थोड़ा जूमिंग करके दिखाओ आगे जाके, तीन जो कछुए हैं दोस्तों वो भी धूप सेक रहे हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। यहाँ से बिल्कुल देखिए आप, बिल्कुल जो फेस वगैरह, जो इनकी हाइट है, जो इनका लेंथ है, जो इनका वेट है, सब दिखाई दे रहा है। आइडिया ये है कि एक इसमें जैसे नर है, एक मादा, और बीच में जो इसका है वो एक बच्चा है दोस्तों। बताया ये भी जाता है तब भी इनको कभी पसीना आता है तो इनका पसीना गुलाबी होता है दोस्तों। ये बिल्कुल रियल है। इस समय हम आपके शहर भिवानी चिड़ियाघर के अंदर उपस्थित हैं दोस्तों। आइए बढ़ते हैं आगे, दिखाते हैं क्या है। और एक तो बिल्कुल हमारे पीछे देख सकते हो लैपर्ड तेंदुआ, इसके बारे में जो उसकी डिटेल वगैरह है वो सब इसके ऊपर लिखी गई है। आप देख सकते हो इसमें वेट कितना है, कितनी इसकी लेंथ है, कब तक ये जीवित रह सकता है, सब जो डिटेल है दोस्तों वो लिखी गई है। लेपर्ड पैंथर, आइए हम आपको दिखा भी देते हैं। वो बिल्कुल सामने रहा, बिल्कुल सामने जो झोपड़ी नुमा है उसके अंदर जो आप देख सकते हो। लेपर्ड पैंथर है इसके अंदर। इसके अंदर तो डाल दो भीतर का भी रख सकते हैं।
इसके अंदर मेरे ख्याल से अभी तो एक ही है, बाकी वो एक भी बेचारा थका हुआ है, आराम कर रहा है। देखो आप बिल्कुल सामने वो रहा उस गुफा के अंदर। हमारे कैमरा मैन अमित ने दिखा दिया होगा आपको, और बढ़ते हैं आगे। आइए, आप ये देख सकते हैं दोस्तों, हिमालयन ब्लैक बियर काला भालू, इसका जो वजन है, जो डिटेल है, ये कितने बच्चा देता है, इसमें कितना वेट है, कितनी जो हाइट है, वो सब कुछ इस बोर्ड के ऊपर आपको नजर आ जाएगी दोस्तों। आइए, है जो काला भालू है दोस्तों, ये देखो उसका जो है हिमालय, जो इसका जो वेट है, मीटर है, जो इसकी जीने की जो इसकी उम्र जो है वो आप देख सकते हैं 20 से 25 साल तक है लगभग। और आप ये देख सकते हैं, डियर डिड कंसिस्ट ऑफ एक्टस नट्स फ्रूट हनी रोट्स एंड, ये आप देख सकते हैं दोस्तों ब्लैक बियर काला भालू बिल्कुल जो सामने है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा उसके अंदर खिड़की के अंदर, देखो वो रहा बिल्कुल। आज दोस्तों हम आपको बता दें कि हम आपके भिवानी चिड़ियाघर के अंदर हैं। आज ऐसे संडे है दोस्तों, काफी भीड़ है, ये है बिल्कुल जो सामने हमारे दो हैं इसके अंदर ब्लैक बियर काला भालू। ये देखो आप ये देख सकते हो बिल्कुल जो हमारे सामने है, ये देख भी रहा है। ये बैठा हुआ है दोस्तों फिलहाल, अभी ऊपर नीचे मुंह कर रहा है और ये सूंघ भी रहा है। ये देखो आवाज भी कैसी कैसी आवाजें निकाल रहा है दोस्तों, ओ, 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 ओ। ये देखो ठीक है दोस्तों, आपने देख लिया दोस्तों। इस समय हम आपके शहर जो चरखी दादरी ब्लॉग था दोस्तों, हम इस समय उपस्थित हैं भिवानी शहर के चिड़ियाघर में। आप ने देखा है, और जो आपको इसका जो व्यू है, जो इसके अंदर जो जैसे जीव हैं, पक्षी हैं, वो हमने आपको दिखाए हैं दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।